अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, फ़ाइनली हमारा जो सेटअप था यूट्यूब का, मैंने बोला था कि 1 अप्रैल को तैयार हो जाएगा, लेकिन तैयार तो ये 1 अप्रैल को ही हो गया था फाइनली, लेकिन मैंने इसका अनाउंसमेंट नहीं किया था। कुछ लोगों को लगेगा मालूम नहीं कि अप्रैल फूल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और इसके ऑर्गेनाइजेशन का जब मतलब पहला दिन था, उसकी जब हम लोग इसका पूरा मतलब 1 अप्रैल या 2 अप्रैल में इसका मतलब जो उद्घाटन करने वाले थे एक तरीके से, तो हुआ कुछ इस तरीके से कि यहाँ के पूरे बिल्डिंग की ये लाइट ही ख़राब हो गई थी, जिसमें 2 दिन तकरीबन लगे। यहाँ पूरा जो मैकेनिक लोग जो आकर के पूरा काम किया, तकरीबन 2 दिन में जा कर के यहाँ की वायरिंग या दोबारा से सब कुछ डेवलप किया ना, तो ये 2-3 दिन का वक्त लग गया। तो ये फाइनली मैंने जो मैं आप लोगों को बता दूं इस सेटअप को दिखाने से पहले, कि ये जो मैंने सेटअप बनाया है इसमें पूरा का पूरा मेरा 35 से 40 लाख रुपए के बीच में खर्च हुआ है। 35 से 40 लाख रुपए, ये चीज़ कि मैं अनाउंसमेंट तकरीबन 8-9 महीने पहले ही बता चुका था कि 1 अप्रैल से हम लोग जो है सोशल मीडिया पर कंटिन्यू हो जाएंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें 40 लाख रुपए आखिर लगे कहाँ पर हैं, ये चीज़ आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो हम कुछ अचीवमेंट्स की तरफ नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो जब आप यहाँ पर अचीवमेंट्स की तरफ नज़र डालते हैं, तो ये लाइव वजीफ़ा का आपको गोल्ड प्ले बटन नज़र आता है, यहाँ पर ये गोल्ड प्ले बटन है। और उसके बाद आप देखेंगे लाइव वजीफ़ा का सिल्वर प्ले बटन मिलेगा, इसी तरीके से ऑनलाइन वजीफ़ा का सिल्वर प्ले बटन मिल जाएगा आपको, मिस्ट्री मिसाइल का सिल्वर प्ले बटन मिल जाता है। और ये इसी तरीके से मैंने अभी इसमें यहाँ पर सेटअप के मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर हो रही थी, इसमें नया एसी यहाँ पर लगवाया है। और इसी तरीके से जिस जगह पर मैं रहता हूँ, ये देहात है पीलीभीत के अंदर, पीलीभीत के आसपास से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सटा हुआ गांव है, जहाँ पर नेटवर्क की बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आप वीडियो को अपलोड भी करते तो करीब 1-1.5 घंटे का वक्त लगता है एक वीडियो अपलोड करने में। जगह जगह जंगलों में घूमना पड़ता है तब जाकर के वीडियो अपलोड होती है। इसकी परेशानी से हटने के लिए ये मैंने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मोबाइल ट्राई बैंड रिपीटर, यहाँ पर ये इस तरीके से एक तरीके से बोलेंगे ये बूस्टर की तरह काम करता है। आपकी जो स्पीड, इससे नेट की स्पीड हो जाती है 1 MB/s से 2 MB/s तक की। ये समय रन चल रहा है, इस समय हम आराम के साथ अपना जो है नेटवर्क का जो भी कनेक्शन है आराम के साथ यहाँ पर बैठ करके काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। अगली चीज़ यहाँ पर देखें, ये जो सेटअप का मेन पार्ट है, ये जो मेरा जो मेन चीज़ है, यहाँ पर बैठ करके मैं वर्क करता हूँ और मुझे यहाँ पर बैठे बैठे तकरीबन मालूम नहीं 3 भी बज जाते हैं 4 भी बज जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर बैठ करके मैं लगातार काम करता हूँ। ये मैंने ख़ास तौर से यहाँ पर डिज़ाइन कराया था, ये मैंने लोगों यूट्यूब की, क्योंकि ये सारी चीज़ जो कुछ भी है मुझे यूट्यूब की तरफ से हासिल हुई है, तो मुझे बेहतर लगता है कि मैं यूट्यूब को आगे रखूँ। तो मैं यहाँ पर लोगों भी लगवा रखा है मैंने इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे, मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि थोड़ा दिखाने की कोशिश करें, इस तरीके से पास ले आएँ। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस तरीके से कुछ बैठता हूँ, आप लोगों को अगर नज़र आ सके तो ये यहाँ पर है मेरा पूरा सिस्टम वगैरह है। ये आप लोग यहाँ पर बैठ करके मैं इस सिस्टम के ज़रिए अपना कंट्रोल करता हूँ सारा कुछ। कभी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे इस कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ती है। ये मैंने खुद अपने हाथ से लाइट बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं, पहले ये मेरा टेम्परेरी जुगाड़ था, इसमें लाइट बना रखी है हम लोगों ने। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा तो देखें, ये मेरी वो पगड़ी है जो मैंने अभी 15 अगस्त पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी, वो चीज़ है, नज़र आ रही होगी। यहाँ पर ये ग्रीन स्क्रीन है जिसके ज़रिए से आप अलग अलग बैकग्राउंड्स देखते हैं। ये मेरी वो चेयर है जहाँ पर मैं बैठता हूँ, इसी तरीके से टेम्परेरी जुगाड़ करा हुआ है मेरे द्वारा। ये लाइट हमने खुद बनाई थी क्योंकि इसको, इसके अंदर हमने जो है मसाला भर रखा, इसके अंदर वज़न भी तकरीबन 40 से 50 किलो है। एक नॉर्मल इंसान को उठाना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि पूरी ये बाल्टी जो है सीमेंट की मदद से भर दी गई है। तो ये जो है यहाँ पर कुछ लाइटिंग का इंतज़ाम है, यहाँ पर ये चारपाई डाल रखी है मैंने, यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ। कभी कभी मुझे आराम करना होता है दोपहर में, तो मैं यहाँ पर बैठ करके आराम कर लेता हूँ, या फिर मुझे लेटना होता है तो मैं यहाँ लेट जाता हूँ। और बाकी यहाँ पर मैं थोड़ा एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊँ, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। ये आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ देखने की कोशिश करें, ये मेरी पढ़ने के लिए वो तमाम किताबें मौजूद रहती हैं पूरे कवर्ड के अंदर। ये मैंने सारी किताबें यहाँ पर, बहुत मोटी मोटी किताबें यहाँ पर, अगर आप लोगों को दिख सकें तो ये देखें, इस तरीके से यहाँ पर पूरे सबको सेटअप करा रखा है। ये हो गया, या फिर आपका ये तमाम किताबें हो गई, तिब्बे नब्बी है मेरे पास, यहाँ पर तमाम किताबें हैं, हैरत अंगेज़ मालूमात है, ये तमाम किताबें, रूहानी इलाज हो गया, या फिर आप देख सकते हैं ये छोटी बड़ी किताबें यहाँ पर सूरह यासीन के साथ, तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, ये डिक्शनरी वगैरह तमाम चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो पढ़ने का इंतज़ाम है, सारी किताबें हैं जो मैं पढ़ता हूँ वक्त पर, ये मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है।
और ये कुछ लाइट्स हैं जो मैंने अभी ख़रीदी हैं, इनकी मुझे बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि वो जो लाइटिंग का मैंने टेम्परेरी जुगाड़ कर रखा था वो काम नहीं कर पा रहा था अच्छे तरीके से। और मैं बताऊँ, इसमें मैंने ये ऊपर आप लोग देख सकते हैं, ये POP वगैरह भी करा रखी है यहाँ पर, और नए सारा फ़ैन वगैरह यहाँ पर लगा रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें एक आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये अभी हम लोग पढ़ाई का सेटअप कर रहे हैं यहाँ पर, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का काम होगा। मैंने आप लोगों को अभी एक इंट्रो के फॉर्म में वीडियो बना रखी है, अभी आप लोगों को मिल जाएगी शायद। 9th का क्लास हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, BSc हो, या फिर किसी कंपटीशन, रेलवे या फिर SSC, कोई भी किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन हो, या फिर वैदिक मैथ्स हो, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी मतलब जो है किसी भी क्लास की पढ़ाई हो, हम लोग यहाँ से ऑनलाइन कराने की कोशिश करेंगे। ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम लोग इसको लॉन्च करने वाले हैं, अभी सेटअप की तैयारी चल रही है। और ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो मैंने लगा रखा है ये सेंसर वाला, मेरे पास एक शीशा है, ये मुझे बड़ा पसंद आया था जब मैं एक शहर में घूमने गया था, तो इसको टच करने से ही ये यहाँ पर जल जाता है, और इसको टच करने से ही बंद हो। इसका फ़ायदा यहाँ पर ये होता है कि कभी कभी रात में अगर आप इसको जला करके छोड़ देते हैं तो रूम के अंदर एक बड़ा ही अच्छा फील आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ये मेरे वो कपड़े वगैरह हैं जो पहन करके मुझे वीडियो में इस्तेमाल करने पड़ते हैं, पहन करके वीडियो बनानी पड़ती है। अब हम लोग अगर बाहर की तरफ बढ़ते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, जब हम लोग बाहर की तरफ बढ़ेंगे तो आप लोगों को थोड़ा कुछ अलग ही नज़ारा मिलेगा। देखिए, रात का वक्त हो रहा है, वीडियो बनाने में ज़रूरत पड़ रही लाइटिंग की, मैं यहाँ पर आप लोगों को लेकर चलूँ तो देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को एक अलग ही अंदाज़ मिलेगा। ये चीज़ है जहाँ पर लाइव वजीफ़ा की टीम बैठती है, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं हज़रत वगैरह, या जो भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शाहनवाज़ हैं, जो भी हैं, वो सारे लोग यहाँ पर बैठते हैं। आपके लिए कोई भी ऑर्डर्स होता है या फिर तमाम चीज़ें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जो जो लाइव वजीफ़ा के प्रोडक्ट्स हैं उनके तमाम चीज़ें, प्रोडक्ट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, लाइव वजीफ़ा की टीम यहाँ से मैनेज करती है। और ये अभी हाल ही में मुझे एक बड़ा पसंद आया था, अभी मैं देख रहा था अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे, तो फ्लिपकार्ट पे ये चीज़ मुझे बड़ा पसंद आई थी, ये वो झूला है जिसके अंदर बैठ करके आप कंफर्टेबल आराम बड़ा फील करते हैं यहाँ पर, ठीक, आराम के साथ। कभी आप लोग अगर मोबाइल में कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर कभी एडिटिंग करनी हो, तो कुछ भी दिक्कत हो आप लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर बैठकर बड़ा मज़ा आता है इस झूले के अंदर बैठकर के अगर काम करते हैं आप, तो ये वो चीज़ है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ, देख सकते हैं कि मैंने एक बोर्ड पढ़ाई के लिए और लगा रखा है, ये एक्स्ट्रा बोर्ड है जो मुझे कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने बेल लगा रखी है अगर किसी बंदे को बुलाना होता है। और बाकी यहाँ पर ये मेरे पास एक सेकेंड ग्रीन ब्लैक स्क्रीन है, जो कभी मुझे मोटिवेशनल वीडियोस बनानी होंगी उसमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने POP करा रखी है। और बाकी आप लोग देख, रेलिंग्स वगैरह का मैंने ये इंतज़ाम किया है, ये बाहर का कुछ व्यू नज़र आएगा आप लोगों को, ये विंडोज़ हैं। इसी तरीके से मैं अगर आप लोगों को ऊपर ले जाने की कोशिश करूँ तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये यहाँ से बड़ा अच्छा नज़ारा नज़र आता है। जब आप कैमरामैन इसको दिखाएं थोड़ा सा बाहर का, यहाँ पर अगर क्लियर नज़र आ रहा है तो दिखाएं लोगों को व्यू कितना प्यारा नज़र आता है यहाँ से। ये आप लोग देख सकते हैं, सारे चारों ओर हरियाली होती है इस तरीके से, और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम वो चीज़ें हैं जो पैकिंग की व्यवस्था हमने लोगों के लिए कर रखी है। यहाँ पर कोई चीज़ अगर आप लोगों को भेजनी होती है हमें, तो यहाँ से पैक करवा करके भेजते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं यहाँ पर कि पैक करवा के भेजने के लिए, आप इसको देख सकते हैं। बेहतर अगर आप लोगों को नज़र ऊपर चलते हैं, थोड़ा दिखाएं लोगों को, तो ये है कुछ ऊपर का नज़ारा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, कभी कभी लाइट चली जाती है तो लाइट की व्यवस्था के लिए मैंने यहाँ पर सोलर पैनल का इंतज़ाम कर रखा है। इसी तरीके से ये मेरे पास वाईफाई लगा हुआ है, मैंने बता रखा है जिस तरीके से बूस्टर है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये 4G में 1 MB या 2 MB की स्पीड आपको आराम से प्रोवाइड कराता है। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे तो चारों तरफ दिखाएँ यहाँ से, और भी तरह पूरा गाँव नज़र आता है यहाँ से। ये है कुछ यहाँ का नज़ारा, चारों तरफ हरियाली आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। कैमरामैन थोड़ा सामने से दिखाएं लोगों को किस तरीके से यहाँ से नज़ारा दिखाई देता है। ये देखिएगा, ये है वो नज़ारा यहाँ का, जो चारों ओर हरियाली है इस वक्त आप लोग देख सकते हैं, ये वो नज़ारा है। आइए मैं थोड़ा इधर दिखाने की कोशिश करूँ, अगर हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा ऊपर लेकर चलते हैं लोगों को, आइएगा थोड़ा दिखाते हैं। इसमें मेरा पूरा करीब 35 से 40 लाख रुपए के बीच में खर्च हुआ इसको बनाने में, क्योंकि इसको हमने जो है जड़ से ही बनाया, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ बनी हुई नहीं थी, हमने इसको बिल्कुल बॉटम से हमने स्टार्ट किया इसको बनाना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका ऊपर जाने के लिए यहाँ पर जीना वगैरह हमने लगा रखा है, ये जीना है,
अगर आप ऊपर जाते हैं तो इससे ऊपर जाने के बाद हवाएं बड़े तेज़ चलती हैं, इतना ऊपर जाने के बाद बड़ी तेज़ हवा लगती है ऊपर जाने का, और ऊपर से सब कुछ छोटा छोटा दिखाई देता है, काफ़ी ऊंचाई हो जाती है। थर्ड फोर्थ फ्लोर पर अगर आप पहुंच जाते हैं तो दिखाएं लोगों को, कुछ इस तरीके से है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा आप लोगों को नीचे ले जा कर के दिखा रहा हूँ। इसका जो बेसमेंट है, मैंने बता रखा है लोगों के रुकने वगैरह की भी व्यवस्था की हम लोगों ने, पूरा इंतज़ाम जो है बेसमेंट लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों को बेसमेंट दिखाते हैं। ये कुछ नज़ारा है हमारे जो ऑफिस के बाहर का, ही आप लोगों को देख सकते हैं। यहाँ पर हमने बनवाया, ये पूरा अलग ही डिज़ाइन कराया है इसको पूरे तरीके से। यहाँ पर आसपास कोई इस तरीके का डिज़ाइन नहीं था, क्योंकि चीज़ें वो मुझे पसंद है जो बिल्कुल अलग हों, लोगों से हटके हों, वो चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है। ये हमने रेलिंग लगा रखी है, आप लोग देख सकते हैं पूरी रेलिंग है। ये सिक्योरिटी के तौर पे, कोई बच्चा ना गिर जाए या फिर कोई आए या फिर नीचे की तरफ देख रहा है तो वो गिर ना जाए, इसकी सेफ्टी के तौर पर ये हमने लगवा रखी है यहाँ पर। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा बाथरूम है यहाँ पर, और इसमें नहाने का इंतज़ाम कर रखा है यहाँ पर, ये फ्रेश होने के लिए, मुँह धोने के लिए। चलिए मैं आप लोगों को नीचे की तरफ लेकर चलता हूँ। ये कुछ नज़ारा है यहाँ पर, आप लोगों को नज़र आएगा इस तरीके से, आप लोग देखिएगा, ये क्लियर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। ये पानी वगैरह के लिए, ये व्यवस्था के लिए मैंने अभी नल लगवाया यहाँ पे। इस तरीके से आप पानी यहाँ से निकाल सकते हैं, ज़मीन के ज़रिए पानी यहाँ से निकलता है, नीचे समुद्र से डायरेक्ट पानी आता है, यहाँ टैंकों का इस्तेमाल नहीं होता, डायरेक्ट पानी आता है यहाँ पर। इस तरीके से देख सकते हैं, ये हमारा बेसमेंट है, जिसको यहाँ पर अभी हमने पार्किंग के लिए चीज़ें बना रखी हैं। कोई भी जो टीम वाला बंदा होता है हमारा, या फिर जो भी मेंबर्स आता है हमारे पास मिलने, या फिर कहीं से भी कोई भी आता है, तो उसकी पार्किंग के इंतज़ाम हमने कर रखे हैं। ये लाइट्स के लिए कुछ यहाँ पर मैं दिखाने की अगर आप लोगों को कोशिश करूँ, अभी लाइट्स यहाँ पर है नहीं इस तरीके की व्यवस्था। ये पार्किंग का इंतज़ाम है, और ये मेरी कार खड़ी हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये मेरी ये वो गाड़ी है जो अभी मैंने हाल ही में परचेस की है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और ये मेरी वो स्कूटी है जो सबसे ज़्यादा पुरानी स्कूटी है। जब मैंने लाइव वजीफ़ा स्टार्ट किया था ये, तो हाल ही में मेरे पास बहुत कम बजट था, 20-22 हज़ार रुपये थे, तो ये उस वक्त मैंने ख़रीदी थी, तो ये वो गाड़ी है। तो आइए आप लोगों को कुछ दिखाते हैं बाहर से नज़ारा कैसे दिखता है हमारे घर का, बाहर से दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। लाइट्स के लिए मैंने थोड़ा इंतज़ाम और भी किया यहाँ पर, ये दिखाएं थोड़ा सा लाइट के लिए, मैंने यहाँ जनरेटर की व्यवस्था की हुई है। कभी कभी लाइट चली जाती है तो अक्सर ऐसा होता है, यहाँ पर अंधेरे का सामना करना पड़ता है, अंधेरा होता है, दिक्कत होती है, तो उसके लिए मैंने नया जनरेटर, ये तकरीबन 60 हज़ार रुपये का मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया है, इससे कभी लाइट नहीं जाती है, लाइट की दिक्कत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक, तो ये देख सकते हैं आप लोगों को सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से आउट का व्यू जो होता है, आउट का व्यू कैसे दिखता है वो आप लोग देखिएगा। दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है, दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। मेरी माँ ओ प्यारी माँ, मेरी माँ ओ प्यारी माँ, के बचपन में मुझे मिदखत सरकार में।